का स्वागत है मेरे चैनल में। आपको मेरी पिछली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी थी जो एल प्रिमो की थी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन को प्रेस करिए और आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में मैं डार्ली के संग खेलूँगा, तो इसमें मैं देखूँगा कि डार्ली कौन से इवेंट में ज़्यादा अच्छा है, या फिर शो डाउन में, जिम ग्राम में, ब्रॉल बॉल में, या फिर हॉट जोन, या फिर सीज में। तो देखते हैं, सबसे पहले हम खेलेंगे सोलो शो डाउन में, तो देखते हैं। तो अभी 3 प्लेयर फाउंड हो चुके हैं, जैसे ही 10 होंगे हम फिर खेलने जाएंगे। और अभी इस टाइम पे हमें जीतना है, फिर हम देख सकते हैं कि डार्ली किस इवेंट में बहुत अच्छा है। जैसे ही 10 प्लेयर फाउंड हो चुके हैं, अब हम खेलने जा रहे हैं। हमें जल्दी से जल्दी इन बॉक्सेस को लेना है। इनके अंदर एक पावर क्यूब होता है जो कि बहुत अच्छा होता है, और इससे हमारे एचपी भी बढ़ती है, डैमेज भी बढ़ता है। ये एक बिट है, मुझे एक बिट से बचना है। यहाँ पे एक डायनामाइट है, बच गया मैं। अब मुझे डायनामाइट को मारना है सबसे पहले। ये नहीं, मेरे से रुक गया, अब तो ये मर। क्या हो रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी बचना है। यस, मैं आखिर में बच ही गया, मैं बच गया। लेकिन अभी मेरे पीछे डार्ली भी लगा हुआ है, वो मुझे मारना चाहता है। मैं कुछ नहीं कर सकता था, कोई बात नहीं। अब मैं खेलने जा रहा हूँ ब्रॉल बॉल, तो देखते हैं। बार भी 6th पोजीशन पे आया, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मैं हर बार 6th पोजीशन पे आता हूँ। जेम ग्रैब, तो आप देखते हैं। एक मिनट, ब्रॉल बॉल खेलते हैं पहले। लेकिन अब जेम ग्रैब स्टार्ट हो चुका है, अब हम नहीं कुछ कर सकते। हमारी टीम में एक रोजा है और एक टिक है और एक डाली है। अब हमें इन चार जेम्स को लेना है। उनकी टीम में एक बोल है, एक रोजा है और एक डायनामाइट है। जल्दी हमें जीतना है, फिर हम देखेंगे कि आगे कौन से इवेंट में डाली बहुत अच्छा है। और हमारे पास मेरे पास ही 4 जेम्स हैं, मुझे बस इन जेम्स को बचा कर रखना है और उसके बाद हम जीत जाएंगे। और यस, अभी तो हम बहुत आसानी से जीत ही रहे हैं। यस, हम फिर से, हमारे पास, मेरे पास अभी 5 जेम्स हैं और 4 जेम्स, यानी अब हमारे पास सब कम हो चुके हैं। हमें उन्हें मारना है। नहीं, मेरे सारे जेम्स जा चुके हैं, अब मैं क्या करूँगा। जल्दी से जल्दी मुझे जाना है, जल्दी से जल्दी जाना है मुझे, मुझे सारे जेम्स लेने हैं। हमारी टीम काफ़ी अच्छा कर रही है, मुझे उनके पास 7 जेम्स हैं। मैं राज्य वाले के पास जाता हूँ। बच गया, नहीं, मैंने बहुत मेहनत से उन्हें मार दिया था, लेकिन मैं हार गया। उनका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, हमें जल्दी से जल्दी जाना है। और ये बहुत मुश्किल लग रहा है। यस यस यस, हमारी टीम के पास 13 जेम्स हो चुके हैं। अब मैं जब भी आएंगे मैं मार दूंगा इन्हें, बस इसे बचा के रखना है। हम जीत रहे हैं, हम जीत चुके हैं। जीत गए। ये वाला मैच हम आसानी से जीत चुके हैं, लेकिन हम इस टाइम पर भी स्टार प्लेयर नहीं बने, हम इसमें भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अब खेलने जाएंगे ब्रॉल बॉल। ब्रॉल बॉल काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से तो डार्ली के लिए, क्योंकि मैं जब भी ब्रॉल बॉल खेलता हूँ डार्ली के साथ, मैं हमेशा जीतता हूँ। डार्ली बहुत ही अच्छा ब्रॉलर है ब्रॉल बॉल के अंदर। और आपने अगर मेरी एजेंट पी की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो ऊपर आई बटन जो आ रहा है उसे दबा के देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस मैच को। हमारी टीम में एक बीबी है और एक जैसी है और एक डार्ली, और उनकी टीम में एक एल प्रीमो है, एक बुल है, एक डायनामाइट है। पहले बॉल ले लेता हूँ, बॉल पास करूँगा बुल को।
गोल नहीं, एल प्रिमो वो गोल कर देंगे। नहीं, ये काफ़ी बुरा हुआ, हम गोल नहीं कर पाए। नहीं, बच गया। ये बहुत अच्छा काम किया हमारी टीम के ब्रॉलर ने। नहीं, मैंने रोक ही दी थी बॉल, लेकिन बॉल रुकी नहीं मेरे से। बॉल पास करता हूँ मैं आगे, एल प्रिमो जा रहा है वहाँ पर, एल प्रिमो के पास दूंगा मैं, एल प्रिमो मारूंगा मैं। और मैं कहाँ गया, ये क्या हो रहा है, हमें गोल करना है। मर चुका है एल प्रिमो, उनकी टीम हार चुकी है, हमें जल्दी से जल्दी गोल करना है। और यहाँ तक कि एक गोल भी आता हुआ मैं मर रहा हूँ, लेकिन मैं जीतूँगा। और वो ट्रिक शॉट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रिक शॉट नहीं हो पाया। और बॉल किसी के पास अभी तक है नहीं, एल प्रिमो है वहाँ पर, एक डायनामाइक है और एक गोल भी है। हम कैसे जीतेंगे हमें नहीं पता, लेकिन हमें जीतना होगा। ये यस, हम अभी हार रहे हैं, लेकिन नहीं, हम ये मैच हार चुके हैं। अब हम क्या करें, अब हम जल्दी से जाएंगे अगला गेम खेलेंगे, जो कि है सीज। तो अब देखते हैं कि इस गेम के अंदर क्या डार्ली जीतेगा या फिर डार्ली हारेगा। उनकी टीम में है एक बार्ली, एक डार्ली और एक बीबी। हमारी टीम में एक एम्स है, एक पेनी है और एक डार्ली। तो देखते हैं, वो मुझे धक्का देंगे, मैं जानता था। ऐसा हर बार नहीं हो सकता कि ये मुझे धक्का दे दें और मैं हार जाऊं। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। नहीं, कोई चीज नहीं हुई क्योंकि टाई हो गया। हम सबके पास एक एक बोल थे। मैं इधर जाऊंगा और अब मेरी हेल्थ काफ़ी कम है और ये तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। नहीं, उनके पास सात लोग आ चुके हैं बोल कर, अब मैं जीत नहीं सकता। हार गए हम बिल्कुल नहीं जीत सकते। अब जैसे हम जीत भी सकते हैं, जैसे हम हार भी सकते हैं, लेकिन हम हार जाएंगे जितना मुझे लगता है। हम हारेंगे, उनकी टीम काफ़ी अच्छा कर रही है और अब हम हार चुके हैं और हम हार गए क्योंकि लेवल 17 का बॉट है। हम उसे जीतेंगे, ये असंभव है, नामुमकिन नहीं। ऐसे तो नामुमकिन ही कहा था मैंने। हम हार गए या फिर हम अभी हारे नहीं, या फिर हम हार गए, हमें खुद नहीं पता क्योंकि उनके पास बहुत सारे गेम्स हुए थे। कुछ भी नहीं कर सकते इस टाइम पे क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम हार गए, हमें तो डार्ली ही बचा सकता था और डार्ली की टीम में भी था, तो हम हार चुके हैं। अब हम क्या बताएं, हम दो मैच लगातार हारे हैं, काफ़ी बुरा है। अब मैं खेलूँगा हॉट जोन, अब देखते हैं कि कौन जीतेगा इस हॉट जोन के अंदर। मेरे को लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल है मैच, इस मैच में हम शायद जीत सकते हैं। अब मैं जाऊँगा पहले और मैं उस वाले हॉट जोन के अंदर जाऊँगा क्योंकि उधर ज़्यादा एनिमी आएंगे और वो उनके टीम में डायनामाइट है, यानी कि बहुत मुश्किल है जीतना। यस, अभी तक तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता क्योंकि हम हार जाएंगे अगर हम ऐसे अच्छे से नहीं खेले तो। हमारी टीम काफ़ी अच्छा कर रही है और उनकी टीम का पोको है वहाँ पे, मैं पोको को एक सेकंड में मार सकता हूँ।
ये नहीं, इसे मत मारो कोको चैन। कोको चैन डायनामाइट ने मार दिया, लेकिन अभी इस टाइम पर हम आगे चल रहे हैं क्योंकि हमारी टीम का जो काल है वो काफ़ी जल्दी गया और वहाँ पे काफ़ी देर तक भी ना मरे है जो कि हमारे काफ़ी अच्छा है। उनकी टीम का डायनामाइट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लेयर है। हम 90 पे आ चुके हैं और वो 68 पे हैं और हम जीत गए। जितना मुझे लगता है हम जीत गए आराम से। हम जीत गए, हम जीत गए हैं आखिर में जीत गए हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आपका देखने के लिए शुक्रिया।